दोस्तों आज इस वीडियो में एमआर करियर पे बात करेंगे। कैसा है ये करियर, क्या संभावनाएं हैं, ग्रोथ क्या है, सैलरी कितनी है, एटसेट्रा सब कुछ, तो पूरा वीडियो देखें। दोस्तों भारत का फार्मा सेक्टर 13-14% सालाना की दर से विकास कर रहा है। यहाँ का दवाई बाजार भी व्यावसायिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों तथा ग्राहकों को अपने उत्पाद की उपयोगिता से प्रभावित करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मांग बढ़ेगी। फार्मा कंपनियों के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एमआर के रूप में भी आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। और भी काफी सारे वीडियो हैं प्लेलिस्ट में मेडिकल के ऊपर, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर के डिजिटलाइजेशन का प्रभाव दवाई निर्माता कंपनियों पर भी होने लगा है। अनेक बड़ी कंपनियां डिटेलिंग ऑप्शंस को आजमा रही हैं। ये ऑनलाइन मीटिंग रूम्स के जरिए डॉक्टरों के सामने अपने उत्पादों का प्रेजेंटेशन दे रही हैं। मगर एक सच यह भी है कि कई अन्य कंपनियां अपने फील्ड फोर्स से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती, इसलिए समय समय पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर किया जाता है। अगर आपकी दिलचस्पी मेडिसिन वर्ल्ड में है तो बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करियर बना सकते हैं। तो क्या होती है वर्क प्रोफाइल? दोस्तों एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्माक्यूटिकल्स कंपनी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच की कड़ी होता है। वह उत्पादों की खास रणनीति के साथ बाजार में प्रमोट करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 1-to-1 के अलावा ग्रुप इवेंट्स आयोजित कर दवाइयों के प्रति जागरूकता फैलाता है। फार्माक्यूटिकल्स कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करती हैं ताकि वे डॉक्टरों तथा ग्राहकों को अपने उत्पादों की उपयोगिता के प्रति राजी कर सके। इस प्रकार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाइयों की मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाता है। एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। दोस्तों अलग अलग दवा कंपनियां अपने यहाँ नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को स्पेशल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देती हैं। उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेल्समैनशिप आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही डॉक्टरों की प्रोफाइल, उत्पादों का ज्ञान और फील्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सेलिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान फ्रेश ग्रेजुएट्स को किसी सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में काम करना होता है और सीखना होता है। आ जाते हैं बेसिक स्किल्स पे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपके पास मेडिकल फील्ड मैनेजमेंट और मेडिसिन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको मानव शरीर और दवा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्वों की जानकारी भी रखनी होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, त्वरित निर्णय क्षमता, लचीलापन और कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश जरूरी होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को नर्सों तथा अस्पताल के प्रबंधन अधिकारियों के साथ नेटवर्क बनाना होता है। यहाँ काम की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, आपको इसके लिए पहले से तैयार हो रहना होगा। एक डॉक्टर के साथ कैसा रवैया रखना है, इसका ध्यान भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखना होता है। आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। दोस्तों फार्मा बिजनेस मैनेजमेंट में BBA या MBA, फार्माक्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर मार्केटिंग में PG डिप्लोमा, फार्मा मार्केटिंग में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। आप BSc साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथ या बायो लेकर, तो भी आप MR बन सकते हैं। इसके अलावा सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल रखने वाले साइंस ग्रेजुएट भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। आजकल कई संस्थानों में इससे संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। संस्थानों में फार्मा बिजनेस मार्केटिंग के कोर्स भी शुरू हो चुके हैं। डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको साइंस के साथ 12th पास होना जरूरी है। PG डिप्लोमा में प्रवेश करने के लिए आपके पास न्यूनतम BSc या BPharma की डिग्री होनी चाहिए। 12th मैथ्स और बायोलॉजी के साथ BBA फार्मा बिजनेस में दाखिला लिया जा सकता है। आ जाते हैं टारगेट बेस्ड प्रमोशन पे। दोस्तों सेल्स परफॉर्मेंस और ग्राहकों को मैनेज करने का हुनर रखने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्माक्यूटिकल्स मार्केटिंग में शानदार करियर बना सकते हैं। जो लोग कंपनी के टारगेट को समय समय पर हासिल करते चलते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने में देर नहीं लगती है। आप एरिया मैनेजर, रीजनल या जोनल मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल कंट्रोलर, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के पद तक पहुँच सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव की भूमिका भी आप काम करके निभा सकते हैं। MBA या फार्मेसी की डिग्री रखने वाले एरिया मैनेजर, सर्किल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ब्रांड मैनेजर या मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में
दवाई कंपनियों से जुड़ सकते हैं। आ जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब हायरार्की पे। दोस्तों सबसे पहले नीचे से शुरू होता है जूनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR, उसके बाद एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये एक हायरार्की है। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं मेडिकल एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो प्रमोशन होकर आप मैनेजिंग डायरेक्टर तक जा सकते हैं। आ जाते हैं सैलरी पैकेज पे। दोस्तों इस फील्ड में शुरुआती वेतन 10,000 से 20,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ अनुभव हासिल करने के बाद 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह आसानी से मिल जाता है। साथ में आपको इंसेंटिव और अन्य पर्क्स भी मिलते हैं। जूनियर सेल्स मैनेजर को 80,000 से 1.5 लाख पर मंथ ईजिली मिल जाता है। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। सेल्स टारगेट अचीव करने वालों को कई बार ब्रांड मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। इससे आपकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ बाजार में आपकी एक अलग पहचान भी बनती है। मोस्टली जो बड़ी कंपनी होती हैं वो आपको फॉरेन ट्रिप भी करवाती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? काफ़ी अच्छा करियर है। भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी काफ़ी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब तक के लिए थैंक यू।